अभी तक दोस्तों भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण के आरोप के बाद भाजपा सांसद लगातार यही बोलते आए हैं कि जब जांच हो जाएगी तब सब कुछ पता चल ही जाएगा जांच का हम इंतजार कर रहे हैं उससे पहले हम कुछ बोलेंगे नहीं कई बार आपने मीडिया में ब्रिजभूषण शरण सिंह को बोलते हुए सुना होगा मगर अब उनकी तरफ से जिस तरह के बयान खिलाड़ियों के लिए आ रहे हैं उसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं दोस्तों की क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह ने अब खिलाड़ियों को डराना धमकाना भी शुरू कर दिया है ब्रिजभूषण शरण सिंह का नया नवेला बयान इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है बयान क्या है यह हम आपको इस खबर में बताएंगे और निश्चित तौर पर जब बताएंगे दोस्तों तो आपको हैरानी जरूर होगी नमस्कार मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दनेशन जिस सांसद को बाहुबली बताया जाता है बाहुबली बोला जाता है कई लोग बोलते हैं बाहुबली जिस सांसद पर यौन शोषण का आरोप महिला पहलवान खिलाड़ी लगा रहे हैं और जंतर मंतर पर धरना देने के लिए बैठे हुए हैं जिस सांसद के खिलाफ इन आरोपों को सुप्रीम कोर्ट ने भी गंभीर मान लिया है उन सांसद साहब का लहजा सुनकर हर कोई इस वक्त चकित रह गया है क्योंकि मीडिया के सामने आए हैं जो बोला है हैरान करने वाला है भाजपा सांसद ब्रिजभूषण शरण सिंह ने कहा है दोस्तों कि ऐसा लगता है अब कुश्ती मुझसे अलविदा हो जाएगी छोटे छोटे बच्चे अब रो रहे हैं उन्हें लग रहा है कि कहीं नेताजी खेल को अलविदा ना कह दे मेरे मामले को लेकर मेरे लोगों में इतनी पीड़ा है कि अगर मैं एक इशारा कर दूं तो जंतर मंतर में कई गुना लोग भर जाएंगे इस बयान को पहली दफा सुनकर क्या यह लहजा धमकी भरा नहीं लगता अब पहलवानों ने जंग छेड़ी है तो क्या ब्रजभूषण शरण सिंह उन्हें डराने धमकाने की बात कहेंगे इससे पहले तो उन्होंने कहा था कि कानून में विश्वास रखते हैं अब सवाल इस वक्त हर किसी के दिमाग में जरूर आएगा दोस्तों कि क्या वो डराने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि ये तो वही बात हो गई कि एक इशारा कर दूंगा तो धरना खत्म हो जाएगा जमीन एक हो जाएगा क्या ब्रिजभूषण शरण सिंह ये कहना चाह रहे हैं कि सीधे तौर पर आ, डराया जाएगा धमकाया जाएगा भाजपा सांसद का बयान सिर्फ यही खत्म नहीं होता है दोस्तों ब्रिजभूषण शरण सिंह ने और भी बहुत कुछ कहा है जो आपको एक एक करके हम एक एक करके बताते हैं और ये बातें सुनकर भी आपको हैरानी होगी यह बात तो देखिए दोस्तों आप जानते ही होंगे कि किसी विरोध को टुकड़े टुकड़े गैंग के विरोध का नाम देना कितना ज्यादा आम हो गया है आसान हो गया है पर निश्चित तौर पर आपने यह भी कभी नहीं सोचा होगा कि अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत का नाम रोशन करने वाली महिला पहलवान खिलाड़ी भारत देश का झंडा लहराने वाले खिलाड़ी देश के लिए मेडल जीत कर लाने वाले खिलाड़ियों को भी टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाएगा जो उनका समर्थन करने जाएगा उनको भी टुकड़े टुकड़े गैंग का बता दिया जाएगा अमर उजाला की खबर के मुताबिक दोस्तों क्या कहा है ब्रिजभूषण शरण सिंह ने सुनिए इस वक्त आपकी स्क्रीन पर वो खबर भी है ब्रिजभूषण ने कहा कि टुकड़े टुकड़े गैंग जो ताकतें शाहीन बाग में सक्रिय थी किसान आंदोलन में सक्रिय थी पीएम मोदी पर समय समय पर हमले करने वाले पार्टी पर हमले करने वाले वो सारी ताकतें पहलवानों के आंदोलन में दिखाई दे रही हैं अब आप बताइए कि आप इसको किस, किस तरीके से देखते हैं यहां पर इन्होंने टुकड़े टुकड़े गैंग से बता दिया है ये कह रहे हैं मैं शुरू से कह रहा हूं कि इनका लक्ष्य मेरा इस्तीफा नहीं है ये तो उनका बहाना है शरण सिंह का कहना है दोस्तों कि इस आंदोलन में विपक्ष के नेता आ रहे हैं और मोदी के खिलाफ बोल रहे हैं क्योंकि इस आंदोलन का लक्ष्य मेरा इस्तीफा नहीं है बल्कि भाजपा है इसके अलावा भारतीय कुश्ती महासंघ के प्रमुख ब्रजभूषण शरण सिंह ने और भी बहुत सारी बातें कही हैं सुनते जाइए बस और आप एक एक करके आपके आंखें फटी की फटी रह जाएंगी इन्होंने कहा पीएम मोदी कहेंगे तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अमित शाह और जेपी नड्डा भी कहेंगे तो भी मैं इस्तीफा दे दूंगा अब सवाल ये उठ रहा रहा है है और पूछा जा लगातार जो कि कांग्रेस ने भी सवाल पूछे कि जो जांच का इंतजार कर रहे थे वो मीडिया में आकर पहलवान खिलाड़ियों के लिए ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं ऊपर से कह रहे हैं कि अगर मोदी शाह और नड्डा कहेंगे तो इस्तीफा दे दूंगा तो फिर सवाल ये आखिर अभी तक पीएम नरेंद्र मोदी जी से लेकर अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने क्यों नहीं मांगा इस शख्स से इस्तीफा सवाल है खिलाड़ी ने खिलाड़ियों ने इतना गंभीर आरोप लगाया है खिलाड़ियों को कैमरे के सामने सम्मान देने में मोदी जी ने कोई कमी नहीं छोड़ी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अब बात असलियत क्या आई है तो खिलाड़ियों के सम्मान में ब्रजभूषण का इस्तीफा ही मांग लिया जाए क्या इतना भी नहीं हो सकता है खिलाड़ियों के लिए जो देश का नाम रोशन कर रहे हैं इस समय भाजपा सांसद मीडिया में आकर खिलाड़ियों खासकर महिला खिलाड़ियों को लेकर जो जो बोल रहे हैं क्या भाजपा के मुताबिक वो सब कुछ सही है क्या इस्तीफा ना मांगना ये उसकी गवाही है क्या पार्टी सच में ब्रजभूषण का समर्थन करती है ये बात पार्टी को बतानी चाहिए मोदी जी को तो कम से कम बतानी ही चाहिए सचमजस को दूर करना चाहिए ताकि पार्टी पर जो थोड़ा बहुत विश्वास है वो भी बना रहे बहरहाल दोस्तों इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ तब तक के लिए नमस्कार